नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबर दोपहर में खबरों का रुख कर लेते हैं। ललितपुर में मोहल्ला पिसनारी बाग के एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां एक शराबी युवक अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके उसे पीट रहा था। तभी उसके नाबालिग बेटे ने अपने दादा के फोन से 112 नंबर डायल कर पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद आरोपी पुलिस को भी धमकाने लग गया। वहीं शराबी पुलिस को भी चेतावनी देते हुए कहता नजर आया कि अगर जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर आए तो महिला को जान से मार दूंगा। लाख समझाने पर भी जब शराबी युवक ने दरवाजा नहीं खोला तो थक हार कर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लोहे के दरवाजे को कड़ी मशक्कत से तोड़कर दरवाजा खोला और संगीता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर कोतवाली ले गई। बता दें, पीड़ित महिला ने बताया है कि उसका पति अजय शराब पीकर आए दिन मारपीट करता है, वो उससे कभी भी मार सकता है। वहीं इससे पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि मारपीट करने वाले पति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसको नीचे लगा दिया, कुंडी लगा दी अंदर से, मामी लग गए। किसको? मम्मी। फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? दादा का फोन लेके सो नंबर लगा। आपको पता ना सो नंबर के बारे में? कैसे पता था आपको ना? पुलिस थी। हाँ, पुलिस का नंबर ये पता है आपको, तो आपने लगा, अपना नंबर लगा लेते। तो क्या बोले वो लोग वहां से? आपने बताया था, क्या बताया आपने उन्हें? वो सर खुल के आगे निकल गए थे थोड़े। नहीं, आप नहीं, आपने सो नंबर लगाया था, क्या बताया उनके लिए? हमने तो पापा वाला पति आए शराब पी के, बस मुझे बंधक बना के अंदर और बस मारने लगे, इन बच्चों को बाहर निकाल दिया। तो ये बड़ा वाला बच्चा है, इसने फिर सो नंबर लगाया, तो इसने बताया हुआ, फिर बस मेरे से मतलब सास ससुर को पता चल गया। फिर बेबी आए, उनने कुल मतलब बोली के दरवाजा खोलो, नहीं खोले। पुलिस भी आ गई, उनने भी बोला कि दरवाजा खोलो, नहीं खोले। बोल दिया मतलब तुम खोलेगी दरवाजा तो भी मारेंगे और मतलब जान से मार देंगे और हम भी मार जाएंगे। कितने घंटे बंद रहे कमरे में? कम से कम 3-4 घंटे। कितने बजे खोला पुलिस ने? खुल पाया पुलिस ने 2 बजे खुलवाए। मतलब कैसे कैसे खुलवाए? मतलब उनको तोड़ा है गेटों को। अच्छा, बाहर ही तोड़े? हाँ, बाहर से तोड़े। तो कहाँ गया पति? कोतवाली। क्यों मार रहा था आप यार, क्यों मारपीट कर रहा है? उनकी तो मतलब हमेशा ही आदत है, जब चाहे मतलब महीना 15 दिन में ऐसे ही मारा। तुम शराब पी के आए हो, बस उल्टी सीधे सास ससुर की सास रहती है, सुबह सास ससुर को राख है, उल्टी सीधे इल्जाम लगाते, खुद के कर्म खराब है। वहीं मथुरा के गोवर्धन के हरिपुरा गांव में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इस पूरे विवाद में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि गोवर्धन के छोटी परिक्रमा मार्ग स्थित हरिपुरा में पुरानी रंजिश के चलते प्रदीप योगी और भोला के बीच विवाद हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। दुकान से आ रहे थे, गेट के बाहर चालू कर दी, घर से लेडीज आ गई थी, उन्होंने डंडा लगा दिया, राजा ने हमलावरी करी थी। कौन लोग हैं जिसने मारपीट की? पूरा ना, एक का नाम प्रदीप है, एक का नाम राजा है और मनीष है और कई लोग, उनका नाम आधा का पता नहीं है।
वही उत्तराखंड के कलियर में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने दरगाह परिहान कलिहर शरीफ से दरगाह परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने वजू खाना पानी की सप्लाई व्यवस्था जियारत स्थल और निर्माणधीन मस्जिद का भी निरीक्षण किया है। बता दें जिलाधिकारी ने दरगाह परिसर की व्यवस्थाओं के संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा भी की। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी कार्य किए जाए उसे पुराने हेरिटेज को ध्यान में रखकर किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने पुराना लंगर और वर्तमान लंगर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने कलियर मेला क्षेत्र और आसपास की दुकानों, तालाब, फव्वारा चौक आदि का भी निरीक्षण किया। साथ ही दरगाह साबिर पार्क के दर्शन भी किए। दरगाह में जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ। यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है 2005 में जो बनाया गया उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो है जो प्रबंधन है और जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार का कार्य हो, इस प्रकार का जो है मल्टीपल मुद्दों पर जो है काफी डिटेल्ड चर्चा किया गया है और विभिन्न कार्यदाय संस्थाओं को जो है एक समयबद्ध कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक एक करके जो है इसका निस्तारण करते जाएंगे और मिशन ये है कि यहाँ का एंटायर जो किरान कलियर क्षेत्र है वो एक दुनिया में जो है प्रसिद्ध एक स्थल बने, इसका जो डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए ये जो मिशन को जो है अचीव करने का डायरेक्शन दिया। हाँ, इसमें मल्टीपल इश्यूज है। एक तो मस्जिद अभी इनकम्प्लीट है, उसको कम्प्लीशन करना है, उसका एक्सपेंशन करना है, दरगाह का भी जो है एक्सपेंशन करना है और यहाँ पे जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रीट लाइट्स को जो है पूरा फंक्शनल कराना है और जो टेम्पल जो यहाँ दरगाह का जो वेस्ट है, जो फ्लावर वेस्ट है, उसको जो है उसी से अगरबत्ती और अन्य जो सामग्री जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें जो है NULM के माध्यम से जो महिलाएं को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बना करके उनको रोजगार दे करके वो प्रोडक्ट्स बनाए। उसमें IIT का जो है इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्टार्टअप कंपनी है, वो कंपनी के माध्यम से इसको मार्केटिंग किया जाए, इस संबंध में बात हुआ है और पूरा एंटायर एरिया का जो है ड्रोन सर्वे करा करके वेरियस जो है जो आर्किटेक्चरल काम करना है उस संबंध में विचार करना है। मास्टर प्लान के अनुसार भी जो है क्या क्या बनाना है, उसमें जो है तालाब यहाँ पे जो बना है उसको कैसे एक्टिवेट करें, उस पर जो है कैसे किस प्रकार का दुकानों का आवंटन करें, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का भी विचार हुआ। वहीं उत्तराखंड के टिहरी के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के कई मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को हुई बारिश से टिहरी के घनसाली और बालगंगा में चमियाला के पास श्रीकोट घड़ेरा में ज्यादा पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से यहां पर कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि पर मलबा आ गया है, जिस कारण धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं बाढ़ आने से पंचायत भवन, विद्यालय और गौशालाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि अत्यधिक बारिश होने से घड़ेरे का जल स्तर बढ़ गया है और इससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस वजह से इतना नुकसान हो रहा है। वहीं समाज सेवी अनूप ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त परन संपत्तियों को जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग की है, साथ ही पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। तो बता दें लगातार टिहरी के पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों के खेत बर्बाद हो गए हैं, उपजाऊ भूमि जो है लोगों की वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्या विद्यालय, क्या सड़कें, पूरी तरह चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं मदद की और लगातार कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही समाज सेवी अनूप बिष्ट ने भी प्रशासन से क्षतिग्रस्त संपत्तियों को जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है, साथ ही लोगों के हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी बात की गई है और मांग की गई है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में ओबीसी समाज ने एकजुट होकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नियमों को ताक पर रखकर किनारे कर दिया गया है। साथ ही अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह पाल ने बताया कि मंडल आयोग द्वारा ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया गया था, जिनमें उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर अन्य जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। वहीं परसेंटेज के मात्र से 14% होने की वजह से ओबीसी के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं टेंग रही है। इसीलिए अब हमने फैसला किया है कि ओबीसी समाज आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम करेगा, जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक मिल सके। पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को, जिसमें ओबीसी समाज को आरक्षण दिया हुआ है, इन्होंने उठा करके उसको ताक पर रख दिया। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखकर मिलता है। पूरे उत्तराखंड में इन्होंने सवर्ण जातियों को भी क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया हुआ, और ये आरक्षण मात्र 14% सन 2000 में दिया था, जिस समय उत्तराखंड बना था। आज की तारीख में कम से कम 25 जातीय समूहों को इसमें वर्ग शामिल कर लिया गया। पूरा मुंशियारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी की पट्टियां, सबको उन्होंने क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी समाज में शामिल कर दिया। लेकिन आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 14% है। तो आखिरकार हम कम से कम 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और अब ये निर्णय ले लिया गया है कि ज्ञापन से हमारा शायद काम न चले, हमें कानूनी और आंदोलन दोनों विकल्प पर ध्यान देना पड़ेगा। और विशेषकर हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, ये जो तीन क्षेत्र हैं जहां पर ओबीसी समाज बहुतायत में रहता है, इन्होंने उत्पीड़न की जो पैमाना है वो ओबीसी समाज के अगेंस्ट में लागू किया हुआ है। अभी रिसेंटली सैनी समाज के ग्रामीण लोगों ने अपनी सभा की और उसमें ग्रामीण लोगों ने दूर दूर बैठ करके सभा की और इन्होंने सारे ग्रामीणों के अगेंस्ट में, जो मुश्किल से 150 की संख्या में थे, उन सबके ऊपर मुकदमा ला दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं के दातागंज के पास एक युवती की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवती की हत्या का आरोप उसी के दो भाइयों पर लगा है। बताया जा रहा है कि युवती ग्राम पलिया गुज्जर की रहने वाली थी और गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले दिनों युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने इसकी FIR भी दर्ज थाने में कराई थी, जिसके चलते युवती अपने प्रेमी देवेंद्र के साथ देर रात थाने जा रही थी। इसी बीच थाने के पास पहुंचते ही युवती के परिजनों ने उसे घेर लिया और उसके भाइयों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। मामला थाने के ठीक सामने का था, इसी वजह से आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तत्काल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर SSP संकल्प शर्मा का कहना है कि पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक 20 साल की महिला की गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवती के पति से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, साथ ही उसके भाइयों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वहीं SSP ने बताया कि पूरे मामले की तत्काल जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें, युवती की हत्या उसके ही दो भाइयों ने की है, आरोप उसके भाइयों पर लग रहा है। दरअसल युवती का एक पास के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और बीते दिनों बदायूं का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते दिनों युवती घर से भाग गई थी, जिसके बाद युवती ने अपने युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी। और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी युवती के परिजनों को लगी तो उन्होंने इसकी FIR थाने में भी दर्ज करा ली थी। हालांकि रात के समय युवती जब थाने जा रही थी अपने पति के साथ, तभी उसके घर वालों ने, परिजनों ने उसे घेर लिया और उसके भाइयों ने ही, सगे भाइयों ने ही उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में युवती की मौत हो गई।
ये पुलिस स्टेशन दादागंज थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें एक 20 वर्षीय महिला की गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में महिला के पति की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सेक्शन 302 IPC और अन्य रिलेवेंट सेक्शन में मुकदमा कायम हो गया है और दो मुख्य अभियुक्त जो महिला के भाई हैं उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस द्वारा कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। कुछ पता चल रहा है कि हत्या का क्या कारण है? अभी कहना ठीक नहीं होगा कि हत्या का क्या कारण है। जो अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं और इंटरोगेशन के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने यूपी के सांसदों के कंधों पर मिशन 2022 के फतेह करने की जिम्मेदारी डाल दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिन सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है उन्हें संसद के मानसून सत्र के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही कम से कम 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सांसदों को आग्रह का पेठा देते हुए बता दें नसीहत भी दी गई है कि आपसी कड़वाहट और मनमुटाव भूलकर संगठन के लिए एकजुट हो जाएं। माना जा रहा है कि पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत की राह में दिख रही दरारों को भरने का काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नए मंत्रियों और पार्टी के सांसदों से अपने अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरों के साथ गाँव में भी आशीर्वाद यात्राएं निकालें, खुली जीप में जनता के बीच में जाएं और उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सुनें और हल करें। इसके अलावा राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने सांसदों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों से चर्चाएं करें और उन्हें सरकार के नए कानून और योजनाओं की जानकारी भी दें। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं जिनमें से 3 अनुसूचित जाति, 3 पिछड़ा वर्ग और 1 सवर्ण से आते हैं। इन सभी की आशीर्वाद यात्रा से पार्टी इनसे जुड़े समाज वर्ग को फिर याद दिलाना चाहती है कि वो बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में है। ये प्रयास भावनात्मक रूप से समाज को मजबूती से जोड़ने के लिए माना जा रहा है। हालांकि इसके अलावा सभी सांसदों से ये भी कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी लें और साथ ही वैक्सीन सेंटरों पर जाएं और खास तौर पर क्षेत्र की जनता को दूसरी डोज के लिए प्रेरित भी करें। संसद में जारी गतिरोध के बीच पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने गुरुवार को विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं करने के लिए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बयान में कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मामलों पर सरकार द्वारा जिद्दी रवैया अपनाकर चर्चा करने से इनकार करने से संसद में गतिरोध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदस्यों की उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की वजह से एक संसदीय समिति बाधित हो गई है और शायद भंग होने की राह पर है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, एक कमजोर लोकतंत्र। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद के मुद्दे पर भी एक संयुक्त विपक्ष संसद में सरकार पर हमलावर रही है और विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस भी दिया है, जबकि लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और मनीष तिवारी पहले ही स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस भेज चुके हैं। वहीं इस हंगामे के बीच बुधवार को सिर्फ किशोर न्याय विधेयक पारित हो सका है। विपक्ष बार बार स्थगन को मजबूर कर रही है और इसके साथ ही लोकसभा में कई विपक्षी सदस्यों ने कागजात भी फाड़ दिए हैं। झारखंड के धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की दुर्घटना में मौत का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे काफी हद तक साफ हो गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि ऑटो ने टक्कर मारकर जान पूछ कर मारी थी। वहीं पूर्व विधायक के करीबी संजय रंजय हत्याकांड जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई करने वाले जज की मौत को हत्या का मामला मानकर पुलिस हर पहलू की जांच में जुट गई है। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि जल्द ही इस कांड का खुलासा कर दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। वहीं विधायक ने इस केस में CBI जांच की मांग भी कर दी है। आपको बता दें कि धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद बुधवार सुबह मॉर्निंग
मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें दिखाई दिया कि टेम्पो नुमा ऑटो पहले सीधे सड़क पर जा रही थी और जज सड़क किनारे वॉक कर रहे थे, लेकिन अचानक सड़क किनारे आकर ऑटो ने जज को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSC द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। MPBSC ने आज यानी 29 जुलाई 2021 को 12 बजे MP बोर्ड क्लासेस 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी। अब आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर और mpresult.nic.in समेत इन अन्य वेबसाइट्स पर रिजल्ट का लिंक जारी रहेगा। इस रिजल्ट की हर जानकारी आपको बता दें मिलती रहेगी, साथ ही रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स 12वीं पास कर उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं उनका एडमिशन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए अगर कॉलेजों में सीट्स बढ़ानी पड़े तो भी सरकार वो करेगी। इंदर सिंह परमार ने MP बोर्ड परीक्षा 2022 की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले साल की बोर्ड परीक्षा का पूरा कार्यक्रम 30 अगस्त 2021 तक जारी कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि परीक्षा ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जा सके। इसके अलावा इस पूरे साल मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि परिस्थितियों में उन असेसमेंट्स के भी आधार पर रिजल्ट तैयार किए जा सके। असम पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने उन लोगों की तस्वीरों का एक कलेक्शन तैयार किया है जिन्होंने 26 जुलाई को सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की थी। साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। बता दें विशेष पुलिस महानिदेशक GP सिंह ने कहा है कि पुलिस ने हिंसा के दौरान 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में धारा 302 और अन्य अधिनियमों सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि सोमवार को अंतर्राज्यीय सीमा के पास हुई हिंसक झड़प में कुल 7 लोग, 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक मारे गए थे। वहीं कछार जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि असम पुलिस ने तस्वीरों का एक कलेक्शन तैयार किया है, हालांकि गोलीबारी करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरे का 4th दिन है। PM मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा ममता अपने दिल्ली दौरे के 4th दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती हैं। बता दें एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी। वहीं दिल्ली में भी हुई इस मुलाकात के दौरान पेगागस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती हैं। साथ ही ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। 2024 में विपक्ष के चेहरे के विषय पर ममता बनर्जी ने ये सभी बातें कही और जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल के बाहर देश भर में भी खेला होगा तो उन्होंने कहा कि हाँ, देश में भी खेला होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीच केरल में बहुत तेजी से बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों से आए नए एक्टिव केस में सबसे ज्यादा केरल से मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। इस बीच उत्तर भारत के राज्यों में नए केस कम होने के बीच स्कूलों का खुलना भी जारी है। वहीं ऐसे में केरल में ईद में मिली छूट के बाद अचानक से ही कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई
है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताजा मामलों में आधे से ज्यादा मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं और पिछले 4 हफ्तों में नए मामलों की ग्रोथ भी डराने वाली है। वहीं केरल के कई जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामलों में 60% तक की बढ़त हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब राज्य सरकार को सुपर स्प्रेडर इवेंट पर भी रोक लगाने को कहा गया है, साथ ही तेजी से नए मामलों में कमी लाने की अपील भी की गई है। बता दें देश में इस वक्त करीब 4 लाख एक्टिव केस हैं और उनमें से 1.5 लाख तो केरल से ही सामने आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।